अंजुस रिव्यू व्लॉग पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, चाय और कॉफ़ी के साथ बिस्किट्स खाना तो सभी को पसंद होगा, पर आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में जो ज़्यादातर बिस्किट्स हैं वो मैदे के बने होते हैं और हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और मैदे के बिस्किट्स खाना नहीं चाहते, तो उन लोगों के लिए डाइजेस्टिव बिस्किट्स एक अच्छा ऑप्शन है। डाइजेस्टिव बिस्किट्स में मैदे की जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल होता है, जिसमें हाई फाइबर होता है। इसके अलावा कम शुगर का भी इस्तेमाल होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। दोस्तों, आज मेरे पास है दो डाइजेस्टिव बिस्किट्स। एक है मैकविटीज डाइजेस्टिव बिस्किट और दूसरा है ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव बिस्किट। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं दो प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू दूंगी। सो पहला बिस्किट है मैकविटीज डाइजेस्टिव बिस्किट। ये बिस्किट हाई इन फाइबर और ट्रांस फैट फ्री है। इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन सब आपको पैक के पीछे इधर मिल जाएगा। ये 100 ग्राम का पैक है और इसकी कीमत है 25 रुपये। दूसरा बिस्किट है ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव बिस्किट। ये भी 100 ग्राम का ही पैक है और इसकी कीमत भी सेम है, 25 रुपये। वीडियो के पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं उनमें फाइबर होता है। चलिए, तो फिर इन दोनों बिस्किट्स के पैकेट को खोल कर देखते हैं। जो पहला बिस्किट मैं खोलने वाली हूँ वो है ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव बिस्किट। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें से कुछ बिस्किट्स टूटे हुए हैं। चलिए पहले इनको एक प्लेट में डाल लेते हैं। देखिए, बिस्किट्स दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं। ये ज़्यादा क्रंची नहीं होते, बल्कि सॉफ्ट और भुरभुरे होते हैं। टेस्ट भी इसका अच्छा ही है। अब मैं आपको मैकविटीज डाइजेस्टिव बिस्किट का पैकेट खोलकर दिखाती हूँ। अच्छी बात है कि इसमें एक भी बिस्किट टूटे हुए नहीं है। इसका जो आकार और टेक्सचर है वो सेम ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस जैसा है, पर उसकी तुलना में थोड़ा सा क्रंची और टेस्ट वाइज मुझे उससे थोड़ा सा बेहतर लगा। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं ये ज़्यादा क्रंची या क्रिस्पी नहीं, बल्कि भुरभुरे होते हैं। भुरभुरे यानी पाउडरी और सॉफ्ट होते हैं। और इन डाइजेस्टिव बिस्किट की जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये कि इसमें शुगर का बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसलिए खाने में ये ज़्यादा मीठे नहीं होते। ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों डाइजेस्टिव बिस्किट्स ही अच्छे हैं। इनकी जो क्वालिटी और प्राइस है वो मुझे ठीक लगी, पर टेस्ट में मुझे मैकविटीज डाइजेस्टिव बिस्किट ज़्यादा पसंद आया। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इन दोनों डाइजेस्टिव बिस्किट्स में से कौन सा ज़्यादा पसंद है। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।